हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम इस लेक्चर में क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो इस तरह से है। देखिए, अ 10 mm केबल इज टू बी लेड इन एटमोसफियर ऑफ 20 degrees centigrade विद आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशियंट दैट इज 8.5 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ केबल इज लाइकली टू बी 65 degrees centigrade ड्यू टू हीट जनरेशन विद इन। विल द रबर इंसुलेशन, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, के इक्वल टू 0.155 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड बी इफेक्टिव, इफ यस हाउ मच। यानी कि हमारे पास एक 10 mm रेडियस 10 mm डाया का केबल है हमारे पास, जिसे हमने एटमॉस्फेयर में रखा है और जिसका एटमॉस्फेयर में रखा है और एटमॉस्फेयर में रखने के कारण जो टेम्परेचर है हमारा एटमॉस्फेयर का दैट इज 20 degrees centigrade विद आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, और उसका हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कितना है 8.5, और सरफेस टेम्परेचर केबल का कितना है 65 degrees centigrade ड्यू टू हीट जनरेशन विद इन। तो जो हमारा केबल है, केबल में हीट जनरेशन होने की वजह से जो सरफेस टेम्परेचर केबल का वो कितना है 65 degrees centigrade, यानी कि हमारा T1 की वैल्यू क्या है 65 degrees centigrade। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि विल द रबर इंसुलेशन, यानी क्या रबर इंसुलेशन इफेक्टिव हो सकता है, अगर हाँ तो वो कितने हीट ट्रांसफर रेट पर इफेक्टिव होगा, या फिर उस इंसुलेशन के थ्रू हमारा कितना हीट ट्रांसफर रेट या कितना हीट लॉस हमारा होगा, तो इसे हमें फाउंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो डाटा हमारे पास क्या है, डाया हमारे पास कितना है 10 mm, तो हमारी रेडियस क्या हो गई 10/2 इज इक्वल टू यानी कि 5 mm। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, T1 हमारे पास क्या है 65 degrees centigrade, और एयर का जो टेम्परेचर था, जो मैंने आपको बताया कि हमारा केबल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा है, तो वहां पर टेम्परेचर क्या है 20 degrees centigrade। तो हमारा T2 क्या हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं टी एयर कितना हो गया हमारा 20 degrees centigrade। तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई 65 degrees centigrade, और टी एयर की वैल्यू कितनी हो गई 20 degrees centigrade। के की वैल्यू हमारी क्या दी गई 0.155 वाट पर मीटर डिग्री, 0.155 वाट पर मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, और H की वैल्यू हमारी कितनी दी है, देखिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारा कितना है 8.5 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, कि उससे हमें पता चल जाएगा कि रबर इंसुलेशन हमारा कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या नहीं है। तो फॉर केबल, जो हमारे एक सिलेंडर केस है, केबल यानी कि अगर हम केबल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हमारे किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, और सिलेंड्रिकल के लिए जो हमारी क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होती है, या फिर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होती है, दैट इज RC इज इक्वल टू के अपॉन एच नॉट। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू होती है 0.155 अपॉन एच नॉट की वैल्यू हमारी कितनी है 8.5, तो 0.155 अपॉन 8.5, देखिए RC इक्वल टू के अपॉन एच नॉट, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0.018235 मीटर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 18.235 mm। तो वैल्यू हमारी क्या आ गई
0.01823 मीटर, या फिर हम mm में 18.235 mm भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा RC है, RC की वैल्यू हमारी कितनी आई, 18.235 mm। तो RC की वैल्यू हमारी और R1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 5 mm। तो यहाँ पर हमारी जो RC है वो क्या है, R1 से ज़्यादा है। तो इस केस में वेयर RC इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द केबल, वेयर RC इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द केबल। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आपको पता चला होगा RC हमारा क्या है, ज्यादा है किसकी तुलना में, R1 की तुलना में। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमें रबर इंसुलेशन करना है, रबर इंसुलेशन अगर हमारा इफेक्टिव होना चाहिए तो वो कितनी थिकनेस पे होगा, यानी कि रबर इंसुलेशन के लिए कितनी थिकनेस होगी जिस पर वो इफेक्टिवली वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो इंसुलेशन होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, हेंस द रबर इंसुलेशन अप टू अ थिकनेस, यानी कितनी थिकनेस तक होगा हमारा, हैंस द रबर इंसुलेशन अप टू अ थिकनेस ऑफ 13.235 mm। अब ये हमारी थिकनेस कैसे आई, देखिए इसे, जो हमारा आरसी था, यानी कि ये हमारा कितना है 18.235, और आरन क्या था हमारा 5 mm। तो हमने इसमें से इसे जब माइनस किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.235 mm। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इफेक्टिव होगा, तो क्या हो गया, हेंस द रबर इंसुलेशन अप टू अ थिकनेस ऑफ, यानी कि इतनी थिकनेस पर क्या होगा हमारा, ये विल बी इफेक्टिव इन हीट डेसिपेशन। तो हमारी थिकनेस कितनी होगी, इतनी होनी चाहिए हमारी। तो अगर इस थिकनेस पर हमारा इफेक्टिव है तो हीट ट्रांसफर रेट हमारा कितना होगा, तो इससे हमें फाइंड आउट करना है। तो हीट ट्रांसफर रेट हमारा क्या होगा, द मैक्सिमम हीट डेसिपेशन पर मीटर लेंथ ऑफ द केबल बी वी। तो इस केस में क्या होगा हमारा, मैक्सिमम हीट डेसिपेशन पर मीटर लेंथ अगर हम निकालें, पर मीटर लेंथ अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, क्यू मैक्सिमम अपॉन एल इक्वल टू 2π T1 - T एयर, या फिर हम कह सकते हैं T1 - T2, ln RC अपॉन R1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन H0 into RC। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो T1 हमारा कितना था, 65, और T2 हमारा कितना था, 20। तो इसे हम 65 - 20 अपॉन ln, RC की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 18.235। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 18.235, और R1 हमारा कितना था, 5 mm।
के की वैल्यू हमारी कितनी थी यहाँ पर, देखिए के इक्वल टू 0.155, तो इसे भी यहाँ पर रख देंगे 0.155 प्लस 1 अपॉन एच नॉट। एच नॉट क्या था हमारा 8.5 इंटू 0.018235। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, आर सी की वैल्यू हो गई यहाँ पर। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो हमारा टोटल आंसर कैलकुलेट होके आएगा वो क्या आएगा हमारा 282.74 अपॉन 8.348 प्लस 6.452। तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगी वैल्यू 19.1 वॉट पर मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए हमने आरसी की जो वैल्यू थी, देखिए ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर ली थी, जबकि यहाँ पर हमने 18 यानी कि एमएम वाली वैल्यू ली थी। तो आरसी हमारी कितनी थी 18.235 एमएम और आर1 क्या था हमारा 5 एमएम। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा ये एमएम से एमएम हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ये वैल्यू मीटर में ली है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा टोटल कैलकुलेट होकर वॉट पर मीटर, यानी कि हमने क्या निकाला था क्यू मैक्सिमम पर मीटर लेंथ। तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा वॉट पर मीटर में आ जाएगा।